पॉलिटिकल फैमिली से आप हो जी, तो कुछ तो आपका कैलकुलेशन होगा। नहीं, जो मेरा कैलकुलेशन है वो पर्सनल कैलकुलेशन है, उससे मैं यही कह सकता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों का सर आकलन है? एक मिनट ब्रदर यार। अरे यार, आपने तो मुझे पोस्टर बना दिया, ये अभी आकलन में 6 बजे के बाद आपके चैनल पे देखूंगा। दो दो भाई आपके चुनाव में जी, दोनों जीतेंगे, दोनों जीतेंगे जी। हम लोग जो करने आए हैं वो वोटिंग है और वो सबका राइट है, वो सबका अधिकार है। तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन जो है वो वोटिंग के हिसाब से है। तो जो गरीब है, जो जो भी है, यंग ओल्ड जो भी है, वोट करना जरूर है। उसमें आजकल महिलाएं ज़्यादा लाइन में खड़ी होती है, वोट परसेंट में भी महिलाएं या तो इक्वल होती है या ज़्यादा होती हैं। तो महिलाओं में आजकल डेमोक्रेसी को लेके, वोटिंग राइट को लेके ज़्यादा समझदारी है, ज़्यादा अवेयरनेस है, शायद हो सकता है। आप कुछ अपील करेंगे, क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है वोट के लिए? नहीं, मैंने तो अपील किया, आज का दिन जो है इम्पोर्टेंट दिन है, आप प्लीज़ जाके वोट कीजिए, ये आपका राइट है और यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस। मैं बोल रही हूँ घर से निकलो और सब लोग वोट दो, वोट देना बहुत ज़रूरी है और सोच समझ के वोट दो और जिसको आप चाहते हो उसको वोट दो। मुंबई में कई सेलिब्रिटीज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और कार्तिक आर्यन भी वोट डालने पहुंचे। वहीं आमिर खान की एक्स वाइफ टीना दत्ता को भी देखा गया। सोनू सूद ने भी लोगों से वोट करने की अपील की है। सुनील शेट्टी ने भी वोट डालकर उंगली में लगी स्याही कैमरे की ओर दिखाई। तो वहीं म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर विशाल ददलानी ने भी लोगों से वोट करने की अपील की। इट्स रिडिकुलस दैट कहना पड़ता है कि आपको आगे वोट करना है, ये आपका शहर है, आपका स्टेट है, आपका देश है। अगर आप में आपके दिल में देश के प्रति प्रेम है, स्टेट के प्रति प्रेम है, तो आके वोट कीजिए, आपकी जरूरत है, बस इतना ही। आई फील रूरल महाराष्ट्र इज वेरी चार्ज्ड अप टू वोट। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर। मेरे मैं पर्सनली मैं कामशेत में बहुत रहता हूँ, आई हैव अ होम देयर। सो लोकली तो मुझे इश्यूज के बारे में पता है और उनके सेंटिमेंट के बारे में भी जानता हूँ। आई थिंक रूरल महाराष्ट्र में अच्छी भारी इसमें वोट पड़ना चाहिए।